तो गाइस रिसेंटली इंडिया के साथ कुछ ऐसा हुआ ना जो सच में बहुत डरावना था। तुम लोग जानते ही हो कि भारत ज्यादा पाम ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इसीलिए हम लोग डिपेंडेंट है इंडोनेशिया पे। तो कुछ टाइम पहले पाम ऑयल की थोड़ी शॉर्टेज हो गई थी और इंडोनेशिया ने भारत को और कई देशों को पाम ऑयल सप्लाई करने से साफ मना कर दिया। और 3 हफ्ते बाद जब सप्लाई किया भी ना तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में सप्लाई किया। गाइस तुम लोग समझ पा रहे हो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। इंडिया के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट को पता चलता है कि 50% सप्लाई नहीं आने वाला। इस बीच स्टॉक मार्केट क्रैश हुए, कीमतें आसमान छूने लगे और बहुत सारी इंस्टेबिलिटीज आई इंडिया के अंदर। बट गाइस रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ ना जिसको सुन के तुम हंस पड़ोगे। इंडोनेशिया में गेहूं की शॉर्टेज होने लगी तो उनकी गवर्नमेंट इंडिया से हेल्प मांग रही है। वैसे देखा जाए ना तो गेहूं की भी शॉर्टेज है दुनिया भर में बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। तो इंडोनेशिया ने जैसा हमारे साथ किया ना तो हम भी वैसा कर सकते थे, बट हमने ऐसा कुछ किया नहीं क्योंकि इसमें ज्यादा फायदा नहीं था। तो इंडिया ने कहा कि आपको जितना गेहूं चाहिए वो आप हमें बता दो और जो पेमेंट रहेगी ना उसके बदले आप हमें पाम ऑयल सप्लाई कर देना। तो कुछ बार्टर सिस्टम जैसी डील हुई है। मगर गाइस तुम लोगों को नहीं लगता कि ऐसी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज के लिए इंडिया को किसी पे डिपेंडेंट ही रहना चाहिए? हम लोगों को इसमें भी आत्मनिर्भर बनना होगा।